ये सरकार इतना इनह्यूमन है, इतना बच्चे महिला लोग लाखों लोग रास्ता में बैठे हैं इस सर्दी में, दिल्ली का सबसे ज़्यादा सर्दी का समय में रास्ता में बैठे हैं। ऐसा परिस्थिति में सरकार थोड़ा जनता के और थोड़ा मोहब्बत रहे थे तो इस तरह इसका बस बैठने के मजबूर नहीं करते, जल्दी से जल्दी कुछ बात करके निपटने का कोशिश करती। मगर इस सरकार का जो चरित्र है, लंगर करो लिंगर करो, लिंगर करते करते थक जाएगा और फिजल आउट हो जाएगा। हम देखा ना CIA अंदर, CIA अंदर जो सिटीजनशिप मूवमेंट को कैसे किया, शाहीन बाग जैसा 100 दिन उसके परेशान कर दिया। इंसान का आवाज़ इसके लिए कोई बात नहीं रखता, जबकि जनवाद में जनता का आवाज़ सुनना ही सरकार का कर्तव्य बनता है, मगर ये सरकार जनता का आवाज़ को डिनाई करने इसके कैरेक्टर है, सुना नहीं। तो इस बार भी वैसा ही लंबा किया, मगर काल सरकार देख लिया कि किसान झुकेगा नहीं। और इसको कोशिश जैसा करते हैं जात और धर्म में बांट के, जैसा सिटीजनशिप आंदोलन को कम्युनलिज्म के आड़ पे उसको अलग थलग कर दिया, ये किसान को आप कर नहीं पाए। आज किसान समझ गया, हिंदू किसान, मुसलमान किसान, सिख ईसाई, सब किसान बोले हमारा धर्म जो है घर में है, हम किसान हैं। किसान आइडेंटिटी एक नया आइडेंटिटी के रूप में सामने आ गया, तो एक एकता, इसको कोई जात धर्म के नाम में इमीडिएटली तोड़ना थोड़ा डिफिकल्ट। जो उसका जो हथियार है BJP का, धर्म के नाम पे तोड़ो, इस बार किसान को धर्म के नाम पे तोड़ना थोड़ा आसान नहीं है। तो इसके बाद किसान बैठे हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।